इन्होंने पूरे देश भर का लोकसभा इलेक्शन का कार्यक्रम जाहिर किया हुआ है। हमारा 23 भिवंडी लोकसभा मतदार संघ का निवडणूक कार्यक्रम फिफ्थ फेज में है, जिसमें हमारी निवडणूक की अधिसूचना 26 अप्रैल को प्रसिद्ध होगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक 3 मई 2024 रहेगा। नाम निर्देशन पत्र की छाननी यानी स्क्रूटिनी 4 मई 2024 को होगी। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का अंतिम दिनांक आज 6 मई है और मतदान का दिनांक 20 मई और मतमोजनी 4 जून 2024 को है। इस निवडणूक के लिए हमारे इस लोकसभा मतदार संघ में 6 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें हमने आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, उसका पालन हो, इसलिए हर विधानसभा मतदार संघ में 9-9 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हमने बनाई है और आज वो कार्यरत सभी जगह पे कार्यरत है। हमारे इस भिवंडी 23 लोकसभा मतदार संघ में पिछला जो यादि प्रसिद्ध हुआ है और उसके बाद जो 17-3 तक जो अर्ज आए हुए उसके मुताबिक 20,39,449 इतने मतदार हैं। इनमें से दिव्यांग जो मतदार है और 85% एज के ऊपर के जो मतदार है, इसके लिए इस बार आयोग ने पोस्टल बैलेट से उनका मतदान लेना है, जो उनके घर में जाके मतदान लेना है। खाली जो दिव्यांग मतदार है उनके बारे में जिनके पास 40% से और उसके अबो का जो जिनके पास सर्टिफिकेट है, खाली उन लोगों को ही एक फैसिलिटी है, लेकिन जो ज्येष्ठ नागरिक है 85 के एज के अबो के है, उन सबको ये पोस्टल बैलेट की सुविधा हम देने वाले हैं। हमारे इस लोकसभा मतदार संघ में टोटल 2,189 इतने मतदान केंद्र है। इस बार आयोग ने इस लोकसभा निवडणूक के लिए बहुत सारे ऐप और एप्लीकेशंस वोटरों के लिए अवेलेबल किए हुए हैं। उनमें से पहला ऐप है सी विजिल ऐप, जिसमें निवडणूक प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता अगर किसी को भी दिखाई देती है तो इस ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हैं। इस ऐप में कंप्लेंट दर्ज करने के बाद प्रशासन को यानी एडमिनिस्ट्रेशन को हमको 100 मिनट में वो कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है। दूसरा एप्लीकेशन आयोग ने दिया हुआ है कि नो योर कैंडिडेट्स, जिसमें जो भी हमारे कैंडिडेट खड़े रहेंगे उस कैंडिडेट के बारे में जो जानकारी मालूम होनी चाहिए वोटरों को, जैसे कि उनकी मालमत्ता कितनी है, उनके ऊपर कोई केसेस फाइल है या नहीं, ये सब घर में बैठ के वोटरों को इस एप्लीकेशन के द्वारा जानकारी मिल सकती है। तीसरा है वोटर हेल्पलाइन ऐप, किसी भी वोटर को उसका नाम, कौन से मतदार यादि में, कौन से मतदान केंद्र में, कौन से नंबर पे है, वो घर बैठ के भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सक्षम ऐप है, जिसमें सभी हमारे दिव्यांग जो वोटर है उनका हमें मार्किंग किया हुआ है। ये खाली दिव्यांग व्यक्ति के लिए ही ये सक्षम ऐप आयोग ने बनाया हुआ है। सुविधा ऐप है, जिसमें जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा रहेगा उसको जो भी प्रचार के लिए परमिशन लगेगा, यानी सभा के लिए, रैली के लिए, उनको जो व्हीकल लगने वाले हैं या उनको कोई ऑफिसेज खोलने वाले हैं, तो ये सब ऑनलाइन देने की भी प्रोविज़न इस सुविधा ऐप में दी हुई है। और एक एनकोर ऐप है, जिसमें ऑप्शनल है लेकिन ऑनलाइन नॉमिनेशन कैंडिडेट भर सकता है, ये भी सुविधा इस एनकोर में दी गई है। हमारे जो 6 विधानसभा मतदार संघ है, भिवंडी ग्रामीण, शाहपुर, भिवंडी पश्चिम, भिवंडी पूर्व, कल्याण पश्चिम और मुरबाड़, इन 6 जगहों पर हमारे ARO अतिरिक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी ये वहाँ बैठेंगे,
इनके ऑफिसेस ईपीएस की जगह है, वहाँ से ही सभी पोलिंग पार्टीज का और पोलिंग मटेरियल का डिस्पैच वहीं से होगा और वहीं रिसीविंग होगा। हमारा जो काउंटिंग होगा वो असद गांव पोस्ट आमने तालुका भिवंडी यहाँ के गोड़ा सावद गांव पोस्ट आमने तालुका भिवंडी यहाँ हमने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग उधर ही होगा। और जिन लोगों का अभी एनरोलमेंट बाकी है, जो 18-19 साल के वोटर्स है उनका कुछ एनरोलमेंट बाकी रहा होगा, तो ऑनलाइन सिस्टम आज भी चालू है, तो आज भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा वोटिंग परसेंटेज जो पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ है वो काफ़ी कम है, तो मैं आपके माध्यम से भी ये मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस बार सभी वोटर वोट के लिए बाहर निकले और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वोटिंग परसेंट भी बढ़ जाए। सर मेरा एक सवाल है कि अगर मान लिया आधार संहिता का उल्लंघन कहीं हो रहा है और कहीं अगर उस संपर्क या कंटेक्ट करना चाहे तो ऐसा कोई नंबर है? हेल्पलाइन नंबर दिया है ना मैंने अभी, मेरे ऑफिस में भी टोल फ्री नंबर है कंट्रोल रूम 1800-233-1114 ये उसका नंबर है, इस पर आप 24/7 कभी भी कोई भी कंप्लेंट हो तो आप वहाँ फोन कर सकते हैं। आर ओ ए आर ओ इनके सबके मोबाइल भी हम आपको दे देंगे, उस पर भी आप कर सकते हैं। हमारे जो भी फ्लाइंग स्क्वाड है उनके जो इंचार्ज है उनके भी हम मोबाइल आपको दे देंगे, वो भी आप छपवा लो, जो जेने को जनता को भी मालूम हो जाएगा कि इनके पास भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं। Thank you.